हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे बड़े देशों की। एक तो हमारा देश इंडिया, जो कि आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और एक है चाइना, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। और भी कई मामलों में दोनों ही देश दुनिया में टॉप 10 में जरूर आते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, लैंड एरिया, मिलिट्री पावर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर के बारे में। इंडिया और चाइना की आबादी दुनिया की आबादी का 37% है। अगर हम किसी भी ताकतवर देश की सेना पर नजर डालें तो हर देश की आर्मी को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लैंड आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। हम तीनों पर एक एक कर नजर डालेंगे। चाइना के यहाँ 23,35,000 एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 14,00,000 रिजर्व सैनिक हैं। इस मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिकों वाला देश भी चाइना है। बात की जाए इंडिया की तो इंडियन आर्मी में एक्टिव सैनिकों की संख्या 14,00,000 है और लगभग 21,00,000 रिजर्व है। अगर बात की जाए मिलिट्री बजट की तो मिलिट्री बजट हर देश अपनी इकोनॉमी के हिसाब से हर साल घटाते या बढ़ाते रहते हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही देशों में गरीबी दर काफी ज्यादा है, लेकिन डिफेंस पर दोनों ही देश काफी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। चाइना का मिलिट्री बजट है $228 बिलियन, यानी कि लगभग 17,37,000 करोड़ रुपए, और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट चाइना का ही है। वहीं 2019 में इंडिया का मिलिट्री बजट था $61 बिलियन, यानी कि लगभग 4,64,000 करोड़ रुपए, जो कि दुनिया का फोर्थ हाईएस्ट मिलिट्री बजट है। अगर बात की जाए मिलिट्री टैंक्स की तो चाइना के पास है 9,150 मेन बैटल टैंक्स। हालांकि कुछ सोर्सेस के मुताबिक चाइना के पास 4,292 टैंक्स हैं। वहीं 4,788 आर्मर्ड व्हीकल्स, 1,710 एसपीजी, 6,246 टाउड आर्टिलरी, 1,770 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हैं। हालांकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नंबर्स हमें पता चलते हैं। जैसे ग्लोबल फायर पावर डॉट कॉम वेबसाइट के मुताबिक चाइना के पास 235 एसपीजी ही हैं। चाइना के पास जो टैंक्स हैं उनमें शामिल है VT4 मेन बैटल टैंक, टाइप 99 एंड टाइप 96 टैंक्स। हालांकि इनमें से कुछ टैंक्स आउटडेटेड भी हैं, तो बहुत से लेटेस्ट भी हैं। टैंक्स के मामले में चाइना अमेरिका और रशिया के बाद थर्ड नंबर पर आता है। तो फोर्थ पर कौन आता है? इंडिया। इंडियन आर्मी के पास है 5,978 मेन बैटल टैंक्स। हालांकि दूसरे सोर्सेज के मुताबिक 4,292 या कुछ के मुताबिक 6,000 से ज्यादा टैंक्स इंडियन आर्मी के पास हैं। वहीं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो ये है 6,704, 1,290 एसपीजी, 7,414 टाउड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इंडिया के बैटल टैंक्स में मेन है T-72। इसके अलावा रशियन मेड T-90 टैंक्स की बहुत बड़ी फ्लीट इंडियन आर्मी के पास है, जिन्हें दुनिया के सबसे अच्छे टैंक्स माना जाता है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की, जो कि हर देश की सबसे इंपॉर्टेंट आर्मी मानी जाती है। एयरफोर्स में चाइना के पास है टोटल 1,300 फाइटर जेट्स, जिनमें रशियन सुखोई 35S और सुखोई 27S शामिल हैं। इसके अलावा चाइना के पास है चेंगडू J-20, J-31 स्टेल्थ फाइटर प्लेन, जिसे उसने खुद बनाया है। अमेरिकन सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट यानी चेंगडू इंजीनियरिंग का कमाल है। फिलहाल चाइना के सभी फाइटर प्लेन्स उसे दुनिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बनाते हैं, बट उसके जस्ट बाद है इंडिया। चाइना की एयरफोर्स में 1,300 फाइटर प्लेन्स थे, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स में 1,720 फाइटर प्लेन्स हैं, जिनमें सबसे मेन है सुखोई SU-30 MKI, MiG-29। इसके अलावा बेहद ताकतवर फ्रेंच मेड डसॉल्ट मिराज 2000, इसे अब तक बनाया गया बेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा तेजस, जो कि पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया है। चाइनीज आर्मी में है 911 हेलीकॉप्टर्स, जिनमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास है 722 हेलीकॉप्टर्स, जिनमें से 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात करते हैं दोनों देश की नेवी की, तो चाइना के पास है 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 25 डिस्ट्रॉयर, 42 फ्रिगेट्स, 8 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और लगभग 50 अटैक सबमरीन्स। चाइना अपनी नेवी पर काफी पैसे खर्च करके 2 स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कैरियर बनवा रहा है। इनमें से एक सुपर कैरियर 2020 और एक 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और फिर केवल USA, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के पास ही इतने बड़े शिप्स होंगे। पर इसके कुछ ही टाइम के बाद इंडिया के पास भी एक सुपर कैरियर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है INS विशाल। फिलहाल तो चाइना और इंडिया दोनों ही देशों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। इंडियन नेवी में इसके अलावा 11 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स और 15 सबमरीन्स हैं। वेल, इन सब चीजों को मिलाकर इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवीज में से एक है। फिर भी USA, रशिया और चाइना के बाद अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, तो चाइना के पास है 270 न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक चाइना के पास और भी
न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उनके आंकड़े किसी को नहीं पता। इंडिया के पास भी 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की। तो दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में से एक इंडियन नेवी की मार्कोस को माना जाता है, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इंडो पाक बॉर्डर पर मिशन को करने का है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका नाम है गरुड़। इसका गठन 2004 में किया गया था। वहीं चाइना के पास है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, जो 1988 से चाइना की तीनों आर्मीज का हिस्सा है। दोस्तों, मैंने आपको जो भी आंकड़े इसमें बताए हैं, ये दोनों देशों की गवर्नमेंट ने पब्लिक किए हैं, तभी दुनिया इनके बारे में जानती है। लेकिन आर्मी की बहुत सी चीजें सीक्रेट भी होती हैं, जो किसी को नहीं पता। खैर, इन आंकड़ों को जानकर हम इतना तो समझ गए हैं कि भले ही कई मामलों में चाइना पावरफुल देश है, पर इंडिया भी उसके एकदम पास ही है और कई मामलों में उससे आगे भी है, और दोनों ही देशों की आर्मीज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक है। तो हम यही चाहेंगे कि ये जो वेपन्स इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, इनका यूज केवल परेड्स में ही होता रहे, रियल लाइफ में एक दूसरे देश के खिलाफ इनका यूज कभी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, ना सिर्फ दोनों देशों का बल्कि पूरी दुनिया का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।